आप सभी साथियों का आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत। दो अहम सूचनाएं आप सबको आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से दिल्ली विधानसभा की कमेटी ऑन पीस और हार्मनी देना चाहेगी। आज इस कमेटी की एक और सुनवाई थी, एक और सीटिंग थी। कई महत्वपूर्ण काम और निर्णय इस कमेटी ने आज की इस सीटिंग में लिए हैं, जिसका जिक्र हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करना चाहेंगे। आज इस कमेटी ने लगभग 15 लोगों को एग्जामिन किया, यानी कि उनसे पूछताछ करी, और 15 लोगों के ओथ के बाद, यानी कि सत्यता की शपथ के बाद, उनका बयान दर्ज कराया। तमाम क्रॉस एग्जामिनेशन, जांच पड़ताल कंडक्ट करी और आगे की कार्रवाई उन केसेस में कैसे की जाए, उसके कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए। उन 15 लोगों में से 14 लोग कंप्लेनेंट थे, यानी कि वो लोग जिन्होंने व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से इस कमेटी द्वारा जारी किए गए नंबरों पे या एड्रेस पर कंप्लेंट भेजी, और वो इन्फ्लेमेटरी मटेरियल, यानी कि भावना भड़काने वाला वो कंटेंट, मैसेज, वीडियो, फोटो हमको भेजा। उस शिकायतकर्ता, उस कंप्लेनेंट को आज यहाँ बुलाया गया, और 15 में से 14 लोग जो आज इस कमेटी के सामने सत्यता की शपथ के बाद जिन्होंने अपना बयान दर्ज कराया, वो शिकायतकर्ता थे। एक ऑफेंडर, यानी कि एक वो व्यक्ति जिसने ये सारे मैसेजेस फैलाए थे, जिसने भावना भड़काने वाले, दो समुदाय के बीच झगड़ा कराने वाले, हिंसा उत्पन्न करने वाले, वायलेंस इंसाइट करने वाले मैसेजेस फॉरवर्ड करे थे और अपने व्हाट्सएप पर उस प्रकार की चीज़ों को स्टेटस के तौर पर भी डाला था, उस एक अलेजेड ऑफेंडर को इस विधानसभा की इस कमेटी ने आज समन किया था। आज वो व्यक्ति आज इस विधानसभा की कमेटी की सिटिंग में आए। उनसे कमेटी के तमाम सदस्यों ने सवाल जवाब किए, शपथ के बाद उनका पूरा बयान रिकॉर्ड कराया, और उन्होंने अपना गुनाह कबूल किया, उन्होंने अपना ऑफेंस कबूल किया। हम बता दें कि उन पर सेक्शन 153A आईपीसी का, सेक्शन 295A आईपीसी का, और सेक्शन 505 आईपीसी का, ये तीनों सेक्शन लगते हैं जो कॉग्निजेबल, नॉन कंपाउंडेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं। उन्होंने ये स्वीकारा कि उनसे ये गलती हुई, भूल हुई। उन्होंने ये भी कहा कि जब से ये कमेटी बनी है, जब से उन्हें इस कमेटी की जानकारी मिली, तब से ही उन्हें ये बात का ज्ञान हुआ कि इस प्रकार के मैसेजेस बिना सोचे समझे फॉरवर्ड करने से आपको 3 साल तक की कैद हो सकती है। उन्होंने ये माना कि उनसे भूल हुई, पर उनको कानून की जानकारी नहीं थी। जब से इस कमेटी के प्रचार के, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से ये जानकारी मिली है, तभी से उन्होंने किसी भी प्रकार का ऐसा मैसेज भेजना बंद कर दिया है। इस कमेटी ने उनके पूरे केस को समझा, उनके बयान को रिकॉर्ड कराया, और इस कमेटी के सामने उन्होंने एक माफ़ीनामा भी लिख कर दिया है इस कमेटी की कंसिडरेशन के लिए, इस कमेटी के संज्ञान के लिए, इस कमेटी के काइंड कंसिडरेशन के लिए। उन्होंने माफ़ीनामे में भी यही लिखा है कि वे सबसे पहले ये सारी जो भावनाएं भड़काने वाली पोस्ट थी सोशल मीडिया पर और व्हाट्सएप पर जो उन्होंने डाली थी, वो सारी डिलीट करेंगे। दूसरा, उन्होंने जिस जिस ग्रुप पे और जिस जिस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर इस चीज़ को डाला था, वहाँ पर एक माफ़ीनामा लिखेंगे, अपनी गलती कबूलेंगे, ये बताएंगे कि ऐसी चीज़ें डालने से आपको 3 साल तक की कैद हो सकती है, और जनता में जागरूकता भी करेंगे कि ना ही वो और ना ही कोई और व्यक्ति कभी भी बिना सोचे समझे इस प्रकार के
भावना भड़काने वाले मैसेज को शेयर करेगा और फॉरवर्ड करेगा। इसी के साथ साथ उन्होंने इस कमिटी को रिकंसिडर करने के लिए उनका केस माफ़ी मांगी है, माफ़ीनामा लिखकर इस कमिटी को भी सौंपा है। कमिटी आने वाले कुछ दिनों में अपनी अगली सुनवाई में फेसबुक के, ट्विटर के और व्हाट्सएप के जो आला अधिकारी हैं हिंदुस्तान के, हमारे देश में जो उनके ऑफिसेज चल रहे हैं, उन सभी को अपनी कमेटी के सामने पेश होने के निर्देश जारी करेगी और इस पूछताछ में शामिल होने के लिए उन्हें आमंत्रित करेगी। इन सब कंपनियों का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स चलाते हैं, कंट्रोल करते हैं, इनका भी एक बड़ा अहम योगदान है इस प्रकार के भड़काऊ मैसेज जो लोग भेजते हैं, जो भावना भड़काते हैं, उन पर नियंत्रण पाने का। ये कमेटी उनकी मदद एक और चीज़ में लेगी, वो है जो अपराधी है, कथाकथित अपराधी, अलेजेड ऑफेंडर, उसकी आइडेंटिटी भी जानने के लिए। कुछ केस ऐसे भी कमेटी के सामने आए हैं जिसमें आइडेंटिटी जो है ऑफेंडर की, वो साफ तौर पे नज़र नहीं आ रही है। तो आइडेंटिटी जानने के लिए भी व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर कंपनियों का सहारा ये कमेटी लेगी। आज कमेटी ने ये फैसला किया है और अगली मीटिंग में इन सबको भी कमेटी आमंत्रित करेगी अपने सामने पेश होने के लिए। आज जो बाकी 14 जो मैंने बताया आपको शिकायतकर्ताओं के बयान आज इस कमेटी में दर्ज हुए हैं, उससे एक बात जो साफ होती है वो ये है कि ये जो लोग फैला रहे हैं इस कंटेंट को, वो एक प्री मेडिटेटेड तरीके से, यानी कि पूरे योजनाबद्ध तरीके से शांति भंग करने का, भाईचारा समाप्त करने का और देश की एकता, प्रभुता और अखंडता पर हमला करने का प्रयास कर रहे हैं। ये लाइफ और लिबर्टी को नुकसान पहुंचाने की मंशा से ये सब कर रहे हैं और 3 साल तक की कैद सेक्शन 153 आईपीसी, सेक्शन 295 आईपीसी और सेक्शन 505 आईपीसी में ये सारे केसेस बनते हैं। कमेटी आज इस फैसले पर भी पहुंची है। आने वाले समय में कमेटी अपनी अगली सुनवाई में कई अहम फैसले लेगी जिसकी जानकारी प्रेस वार्ता के माध्यम से आपको दी जाएगी।